डिबेट के लिए मिस्टर सिंह आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी सिंह महोदय, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं बस आपका 2-3 वीडियो बहुत पहले देखा था और काफ़ी दिनों से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था आपसे बात करने के लिए। कुछ चीज़ों में मेरे को ये लगता है ना कि जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने हमारे जो छोटी कास्ट के लोग हैं, जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, तो उनको दबा करके रखे। ठीक है, ऐसा मैंने भी सुना है, हमारे घर में भी बताते हैं ये बात को कि हाँ ऐसा होता था, अभी भी कई जगह पे होते हैं, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये फिर एक्सट्रीम की तरफ नहीं जा रहे हैं कि अब जो छोटी जातियां हैं वो एक, तो फिर हम एक कब होंगे? मेरे को ये डाउट है फिर ये नहीं, इसमें हम एक्सट्रीम की तरफ चले जाएं तो। एक तब होइएगा ना जब संसाधन इक्वलिब्रियम में बंट जाएंगे। देश के जो संसाधन है, आप सोचेंगे कि देश का जो 100% संसाधन है उसके 90-95% पर मात्र 10% लोग कब्जा किए रहें, और फिर आप सोचे कि इक्विलिब्रियम भी हो जाए केवल मुंह से कह के कि हाँ भाई अब इक्विलिब्रियम हो गए, अब तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करे, अब तुम्हारे साथ बैठ के खा तो ले रहे हैं, चलो शादी विवाह भी कर लिए, तो इक्विलिब्रियम थोड़े ही होता है। इक्विलिब्रियम का अभी मतलब हम ये इक्विलिब्रियम में, ये सही बात है संसाधन, देश के जो संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो भारत की जो बहुजन अगर 90% हैं, 85% हैं, तो 85% संसाधन उनको मिल जाएं। अगर नहीं मिलता है संसाधन तो केवल मुंह से कह देने से कि अब तुम्हारे साथ खा पी ले तो ले रहा हूँ, अब तुमको ताने नहीं मार रहा हूँ, अब तुम्हारे साथ बैठ के खा ले रहा हूँ, तो ये सब नहीं होता है इक्विलिब्रियम, या इससे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। और ये कह देना कि बहुजन लोग भी अब चढ़ के बोल दे रहे हैं कि अरे तुम्हारी हिम्मत है तो बोल कर देख लो, इससे कुछ नहीं घट बढ़ रहा है। असल में इक्विलिब्रियम तब आएगा, एकपन तब आएगा। देखिए भाई हैं दो भाई, दोनों भाइयों में बराबर जब तक नहीं बटेगा संसाधन तब तक ही नहीं कहा जाएगा कि दोनों में बराबरी हुई है। एक जो है 90-95% कब्जा कर ले या 5% दे दे दूसरे भाई को आ कहे कि अब बड़ा प्यार से बात करें ना, मैं समझ गया आपकी बात है, छोटी छोटी रखते हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत कम है। खूब खूब प्यार से, मैं समझ रहा हूँ, खूब प्यार से बात करें उससे कि हाँ देखो बड़े कैसे और भाई कैसे हो, दुनिया से गाए कि मेरा बड़ा प्यारा भाई है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं होता है। संसाधन तो अपने 95% मार रखा है ना। देखिए हम जब भी बातें करें ना तो हम छोटी छोटी बातें रखें, छोटी छोटी बातें भी आपकी समझ में आ जाती है, आप बहुत अच्छे। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक अच्छा ये बताइए जो है ये आपने बोला कि समस्या, सिंह जी थोड़ा रुकिए, बोलना चाहते हैं ना, उनको बोलने दीजिए। हम पर्सपेक्टिव तो जैसे तीन लोग हैं तो तीन पर्सपेक्टिव तो आएंगे ना, उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। आपको पूरा जो है आपको अपनी बात रखने का पूरा जो है अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। आपने कहा कि ये ब्राह्मण एक मतलब एक जो है समुदाय को वो छोटी कास्ट जो है वो समझते हैं, वो छोटा समझते हैं, तो लेकिन वो जो लोग हैं वो तो ब्राह्मण के साथ कभी ऐसे नहीं किए ना, तो ये समस्या पैदा किसने करी है ये बताइए, ये ब्राह्मण समाज ने करी है। हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल, तो उसके समाधान के लिए आप जो है मुंह जो है उन लोग का क्यों देख रहे हो जिनके साथ जो है ये अन्याय। जी ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उनको जाकर के बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उनको पहले बता, अभी जो उन्होंने जो क्वेश्चन रखे उसकी बात करता है, ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि दो क्वेश्चन को एक साथ क्यों ले सकते कैसे। अरे ये आपका आपका जो सवाल है ये उसी के प्रत्युत्तर में है, बिल्कुल वही है, और अच्छा सवाल है ये। ठीक है, जो मैं पहले आपको यही बता देता हूँ, ठीक है, मेरे को जो मैंने जो सोचता हूँ, देखिए सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं नहीं है, मैं इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ भी नहीं पाया हूँ आज तक, ठीक है, लेकिन जो एवोल्यूशन के हिसाब से मैं समझ पाता हूँ कि हर चीज़ें बदलती जा रही हैं, चीज़ें कभी कुछ कभी अच्छी थी कभी बहुत बुरी थी, कभी उससे भी बुरी थी, कभी कोई अच्छा होता है कभी कोई बुरा होता है, कभी कोई और बुरा होता है, चीज़ें हमेशा एक जैसे नहीं रहती हैं। क्या पता कि जैसे कि जैसे हम, मैं पुराण को मानता नहीं हूँ वैसे, और इवन मैं हिंदुइज्म और इवन सनातनी जो मानता भी हूँ, मैं अपने ब्रेन को ओपन करके मानता हूँ, मैं हर चीज़ें नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि ये चलती हुई संस्कृति है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौखिक तौर पे थी तो बहुत सारी लोगों ने उसमें ऐड कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐड हुआ हैं या फिर एक्सट्रैक्ट हुआ है उसमें से निकला भी है, कुछ लोग निकालने वाले भी आते हैं उसमें से बहुत सारी बुरी चीजें को निकाल देते हैं, हमारे यहाँ तो एक्सेप्ट सर जी टू द पॉइंट बात कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत पहले हम अभी तक इतना ही जान पाए हैं कि जो
क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या नाम है बहुजन समाज के लोगों को उन्होंने दबा के रखा। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत साल पहले इसके उल्टा हुआ होगा, क्योंकि ये तो साइकिल है ना। ये तो आपका अजम्पशन है ना। नहीं नहीं, ये तो अजम्पशन है ना कि साइकिल वाइकिल इतनी कहानी बता करके। ये तो आप जबरदस्ती, मतलब आप इस तरह की बात कर रहे हो कि जैसे घर में एक चोर ने चोरी कर दी, अब उसको लोगों ने पकड़ लिया, अब उसको डांट रहे हैं, तो वो उसको पलट गई है, बोल रहा है कि नहीं तुमने भी तो कभी मेरे यहाँ चोरी करी होगी। ये कोई लॉजिक है? ये कोई बात ओके ठीक है, ठीक है। चोर जो है, चोर पकड़ जाने के बाद से ये कहे कि पिछले जन्म में या उसके पहले, ये भी तो पॉसिबिलिटी होता है कि इन्होंने हमारे घर में कभी चोरी किया होगा, ये अच्छा, जवाब नहीं होता है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं मान भी लेता हूँ ये बात को कि अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो फिर क्या ये इसको उल्टा करना जरूरी है? बेहतरीन समाज की तरफ जा रहे हैं ना। और जहाँ तक आपने बोला कि इक्लिब्रियम का, कौन सा बेहतरीन है, ये कौन सा बेहतरीन समाज है जब हम आज जर्नी भी में हैं? हम इक्विलिब्रियम में नहीं आए हैं, लेकिन हम जर्नी में हैं। नहीं, जर्नी में कहाँ है, कहाँ है जर्नी में भाई? आप जब से देश आजाद हुआ है, मिस्टर सिंह सुनिए इस बात को, जब से देश आजाद हुआ है जरा मुझे बता दीजिए कि जितने एससी एसटी ओबीसी समाज हैं उनको कितना लैंड जो है इन लोगों से छीन छीन कर दिया गया है, जिन लोगों ने कब्जा कर करके रखा हुआ है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ है? हाँ सुनिए ना, क्या देश की आज़ादी से लेकर के आज तक क्या हमने उनके जो एससी एसटी है, हमने, मैं नहीं बोलूँगा हम सब ने, आपने भी और हमने भी, ठीक है, हम सब ने जो गवर्नमेंट चुना, जितनी भी बहुत सारी कांग्रेस की भी गवर्नमेंट आई, बीजेपी की भी गवर्नमेंट आई है, क्या इन्होंने स्पेशली उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं दे रही है ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन बन सके? कुछ भी नहीं, क्या दिया बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप सिंह जी? अगर इनको और दूसरी बात है इक्विलिब्रियम, एक और बात है, आपको पता है क्या इक्विलिब्रियम, आप बताइए तो जरा, आपके आपको क्या लगता है क्या इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ना कि दोनों, जो दोनों पार्टियां है ना जो एक स्टेज पे आके खड़ी हो जाए, इसका मतलब यही होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। नहीं, ये नहीं होता है, और वो वही वही से साथ में बढ़ना नहीं होता है, ये इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ये आप पता है क्या कर रहे हो, ये दिखावे वाला पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम। अरे भाई साहब, आपने जो पढ़ा है, सुन लीजिए, आपने जो पढ़ा है उसमें बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये केमिस्ट्री क्लास नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है कि आप जो है दो बंदे को खड़ा कर रहे हैं। सुन लीजिए मिस्टर सिंह, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं और मेरे ख्याल से आपके काफी अभद्र कमेंट भी आते हैं इस सिंह नाम से। आप सुनिए यहाँ पे ध्यान से इस बात को। इक्विलिब्रियम ये नहीं होता है कि एक बंदा 1000 साल से भूखा है, 1000 साल से उसको दबाया सताया गया है, बिल्कुल वो पीछे है, और उसके बराबर आप जो है एक जो 1000 साल से मोटा तगड़ा बंदा है उसको दोनों को बैठा दिए एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप कह रहे हैं कि देखो दे तो दिया इक्विलिब्रियम, दोनों को मौका तो दिया हमने कि जाओ तुम लोग रिटर्न दो, पास हो जाओ और वो निकालो। ये आप कह रहे हैं कि दोनों को हमने मौका तो दे दिया, ये नहीं होता इक्विलिब्रियम। वो जो पिछला 1 साल का जो बैकलॉगेज है, जो उसके इतने पीछे उसको किया गया, लगातार किया गया है, वो मेंटली रूप से है, शारीरिक फिजिकली रूप से है। कई बार तो ऐसी चीजें होती हैं कि कई पीढ़ियां लग जाती हैं लगातार उसको, वो बराबर आप पोजीशन दे दोगे, उतनी संपदा धन भी दे दोगे तो भी कई पीढ़ी लग जाएगा मेंटली रूप से स्ट्रांग होने में, क्योंकि ये 1000 साल का ये पिछड़ापन है। आप सोच रहे हो दोनों को एक स्टेज दे दिया आपने, इक्विलिब्रियम, एक क्लास में बैठा दिया इक्विलिब्रियम है, एक साथ पढ़ने का मौका दिया, इक्विलिब्रियम है, ये नहीं है। और ये तो आप सिर्फ वो बात कह रहे हो कि इनको एक जो क्लर्क होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, जो सिर्फ पूरे जॉब का सिर्फ 2% हिस्सा है, यहाँ संसाधनों की बात हो रही है, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। असल मुद्दा खेल तो संसाधन का है, आप जाके पता लगाओ जमीन, आज की डेट में जो जमीनें हैं कितनी महंगी है। यहाँ पे आप चले जाओ दिल्ली NCR में चले जाओ, वहाँ पे जमीनें में जब वो रोड निकली थी तो यहाँ जाट समुदाय के या जो भी गुजर या जो भी समुदाय के लोग थे उनकी जमीनें जब उसमें पड़ी, रोड में पड़ी, उससे इतने पैसे मिले, इतने पैसे मिले कि बहुत सारे लोग धनी हो गए। लेकिन जरा सोचिए इस बात को कि वही चीजें जो दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं वो अभी भी गरीब हैं, और वहां पे भी सड़कें निकलती हैं, उतने पैसे नहीं मिले जितना वहां पे मिल गए, लेकिन ये जमीनें जो है अभी भी किन लोगों के पास है ये भी तो ध्यान दीजिए। गरीब तरका SC ST का पता लगा लीजिए, OBC का पता लगा लीजिए, कितने लोगों के पास इतनी जमीनें हैं? OBC में कुछ लोगों के पास हैं, लेकिन SC ST वर्ग में तो बिल्कुल भी सन्नाटा है, बहुत कम लोगों के पास जमीनें हैं।
आप इनको नौकरी दे देंगे, घर भर का खाने पीने का दे देंगे, थोड़ा सा घर बनवा सकते, पूरी जिंदगी पे घर बनवा लेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लेंगे, ये क्या इक्विलिब्रियम हो गया? अरे नहीं भाई, ये आपने उनकी डेली रिक्वायरमेंट, उनका हक था वो दिया, संसाधन आपने थोड़े दिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हजार साल से जो आपने जमीन संपदा छीन के रखी हुई है उसकी तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि चलो इनको पढ़ा दिया जैसे बाकियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको नौकरी वोकरी भी मिल जाए तो मिल जाए, चलो अच्छी बात है, एपी अपना खा पी लेंगे, इतनी पर बात हो रही है, संसाधन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, वो कब दोगे, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बोलिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये बात मैं समझता हूँ, आपने संसाधन बोल दिया था ना, इसके लिए मैं ये चीज़ें समझता हूँ मैं, और मैं अपने घर में भी बहुत लोगों से बात किया है मैंने कि कोई भी चीज़ों को किसी को भी मान लो किसी को गुलाम, जैसे हमको अंग्रेजों ने कुछ दिन कुछ सालों 3 साल ही गुलाम रखे थे हमें सिर्फ अंग्रेजों ने, तो आज तक हमारे अंदर में उस चीज़ों का मतलब हमारे इवन बच्चे होते जा रहे हैं, जनरेशन पे जनरेशन चेंज होते जा रहे हैं, फिर भी हमारे ब्रेन पे उसके इम्प्रिंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये भी इम्प्रिंट्स अगर मान लो ब्राह्मणों ने किया था तो वो इम्प्रिंट्स रहेंगे, और उसके उसके लिए हमको क्या ये करना होगा कि हम उनसे फिर ब्राह्मणों से, या फिर मैं एक राजपूत हूँ मैं, तो क्या हमसे क्या फिर इनके हमारे लिए नफरत सिखाया जाएगा, या फिर हम दोनों में, या फिर दोनों क्या हम सब एक ही हैं, तो क्या हमारे बीच में कोई इस तरह के ब्रिज बनाए जाएंगे जिससे हम एक हो सकें, क्या इस तरह के? अच्छा सिंह, सुन लिया मैंने आपका, सुन लिया, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जरा एक बात सोचें कि एक धार्मिक ग्रंथ है महाभारत, तो आपको क्या लगता है महाभारत अच्छा है खराब है, पढ़ना चाहिए फेंक देना चाहिए, कैसा लगता है आपको? जी मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए हमें, उसका रीजन ये है कि देखिए हर बुक्स या हर लोग, हर तरह के लोग, सब में कुछ ना कुछ शिक्षाएं होती हैं, उसमें हो सकता है कि आप कुछ गलत निकाल करके दे दें, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है गलत होगा, लेकिन क्या उसमें उससे हमको चीजें सीखने को नहीं मिलती हैं? तो देखिए हम अभी इतना हमारे ब्रेन अभी डेवलप हो गए हैं, हम आज 20th century में हैं, आज के टाइम में हमें पता है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये गलत है, तो हम उसको डस्टबिन में फेंक देंगे और उसमें जो चीज़ें अच्छी हैं उस चीज़ों को हम लेकर के अपने जीवन में यूज़ करेंगे। अच्छा आप कैसे फेंक पाएंगे जब आपको अधिकार ही नहीं है किसी चीज़ का लिखने का, जब वो किताब भी आपने नहीं लिखी, आपके पूर्वज ने भी नहीं लिखी, किसी दूसरे ने लिखी, आपको तो अधिकार ही नहीं है लिखने का, पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार या चेंज करने का एडिट करने का अधिकार नहीं है। देश आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, आज भी एडिट नहीं किया गया है, तो आप उसको कैसे एडिट कर पाएंगे? आप उसको कैसे एडिट कर पाएंगे? नहीं आप कहेंगे उसमें कुछ बुरा चीज होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, कोई अच्छी चीज होगा अपना लेंगे, आपने ये कहा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें तो कहीं पे है ही नहीं कि आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, छोड़ने की तो बात ही नहीं है, वो तो महाभारत का अंश है और हमेशा रहेगा। देखिए मेरा ये तो... मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि मान लीजिए आपने अपने को कहा कि हम राजपूत हैं, आप क्षत्रिय मानते हैं ना अपने को? हाँ, आपको तो बताया हमारा फैमिली, हमारा फैमिली वो है टाइटल से, सिर्फ टाइटल से, हम कुछ अलग नहीं मानते हैं किसी से अपने आप को। तो मान लीजिए कि आपको बता दिया गया कि आप क्षत्रिय हैं, अब महाभारत जब आप खोलेंगे वहां से आपको पता चलेगा कि महाभारत में तो क्षत्रियो को कहा गया है कि 21 बार परशुराम ने उनकी सारे सबको मार दिया, खत्म कर दिया, और उसके बाद से उनकी जो औरतें बची, जो छत्राणियां बची थी, वो सारी औरतें ब्राह्मणों के पास गई कि मुझे गर्भवती कर तो बच्चे पैदा करना है, सारे ब्राह्मणों ने नियोग कर करके गर्भणी कर दिया क्षत्रिय औरतों को, तब जाके बच्चे पैदा हुआ, वही आज क्षत्रिय कहलाते हैं। ये बातें जब आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो किताब जो है, जो जितनी बातें उसमें जो क्षत्रियों की पूरी लड़ाई बताई जा रही है, आश्रय जो है उनके जन्म का ब्राह्मण नाजायज बाप बताया जा रहा है, वो अपने बाप की भी औलाद नहीं है, वो उनकी नजायज औलाद है ब्राह्मणों की, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किताब उनको अपमान करने के लिए लिखी गई है, लिखने वाले ने बुरी तरह से अपमान किया है? मुझे इसका कोई रेफरेंस दिखाइए। अच्छा लगता है आप मेरी स्ट्रीम देखते नहीं है। मैं वही बोला ना, मैं बहुत कम देख पाता हूँ, और मेरे को काफी दिनों से इच्छा थी आपसे बात करने की। नहीं आप है ना, डायरेक्ट पूछ लीजिए कि परशुराम किसके लिए फेमस है। नहीं रेफरेंस तो ऑलरेडी कई बार दिखा चुका है वो। नहीं मैं दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ रेफरेंस। तो एक तो अपनी वो माता का हत्या करने के लिए, और दूसरा सर को दिखाने दे। मैं नहीं इनको रेफरेंस दिखा देता हूँ, इन्होंने रेफरेंस की डिमांड की है। ये आपका जो है महाभारत, जो है महाभारत का आदि पर्व है,
और महाभारत के आदि पर्व में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ये पढ़िए 4-5 नंबर श्लोक जो हाईलाइटेड किया है, एक बार आप खुद पढ़ लीजिए इसको। आप पढ़ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ रहा हूँ मैं। क्षत्रिय उसको जोर से पढ़ दीजिए, पब्लिक भी सुने कि ना एक बार, उसको एक बार नारी जोर से पढ़ दीजिए। नारियों ने पुत्री की अभिलाषा से अभिलाषा से देखिए मैं कोई बातें नहीं गोल गोल सुन, नहीं देखिए दिमाता सुनिए सुनिए मिस्टर सिंह, एक आप बार रेफरेंस जितना पूछ हाईलाइटेड रहे थे किया है, आप। एक बार जितना हाईलाइटेड किया है उसको एक बार जोर से पढ़ दीजिए, पब्लिक भी सुन ले, बहुत सारे लोग हिंदी फॉन्ट नहीं पढ़ पाते ना। हाँ पूरे काल में जगदन, देखिए मुझे भी ज्यादा अच्छे से हिंदी आती नहीं है तो आप पढ़ने कोई तो बात देते नहीं, बंदा। कोई बात नहीं, जमदग्नि नंदन है। हाँ जमदग्नि नंदन परशुराम के 21 बार परशुराम ने पृथ्वी, हाँ परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदे इसको भृगुनंदन ने इस क्षत्रिय को सुन कर दिया, क्षत्रिय नारी, क्षत्रिय हाँ सुन ठीक है कर मैं, दिया। हाँ ठीक है ना मैं पढ़ लिया, मैं समझ गया कि ये क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं ठीक है हम लोग चाहते हैं रेफरेंस सारी मिल गया पब्लिक ना भी सुने ना, पब्लिक को भी, तो आप पब्लिक भी को भी पढ़ पता देंगे चलनी तो चाहिए ना। सुनोगे, क्यों हाँ आप तो पढ़ ये देंगे तो नहीं। लिखे ना, क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय हाँ नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो की थी। देखिए यहाँ हाँ पे क्षत्रिय शून्य कर दिया 21 बार। एक मिनट मेरे को ये, मेरे को ये भी दे दीजिएगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं देखिए मैं थोड़ा अपने से भी ये वेरीफाई एक कर बार लूंगा और देख मैं कुछ लीजिए लोगों से ऊपर। बात भी करूंगा, अगर कुछ गलत है तो मैं सीधा बात करूंगा लोगों से, नहीं सीधी सी ये बात मैंने करूंगा। आपको किताब किताब बता देता हूँ मैं, पूरा संस्कृत सहित पूरा चैप्टर ही उठा के डाल दिया है मैंने, ये चैप्टर है आपका, एक मिनट मेरे को कॉपी कर लेने दीजिएगा, क्योंकि कर लीजिए कर अगर कुछ लीजिए। गलत है तो मुझे लोगों को बताने भी हैं, अगर कुछ गलत है तो सीधी सी बात है। देखें महाभारत का अंशवतार पर्व, आदि पर्व जो है उसका जो अंशवतार पर्व है उसका 64 सर्ग यानी 64 चैप्टर जो है उसका उठाइएगा, और श्लोक अंशवतार पर्व नंबर, मैं लिख रहा हूँ सर, मुझे एक बार हाँ धीरे धीरे लिख बताइए। लीजिए, अंशवतार हाँ आदि पर्व, आदि पर्व का 64 सर्ग लिख लीजिए, अंशावतार पर्व कहलाता है वो। अच्छा चैप्टर का नाम है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति, और ये बुक कौन सा है ये? महाभारत का है, मैंने गीता प्रेस का उठाया है बुक, आप कोई सा भी बुक उठा लीजिएगा, हाँ गीता ठीक है, प्रेस हाँ गोरखपुर जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, शंकराचार्य हाँ वगैरह लोग इसी से रेफरेंस लेते हैं, वही हाँ किताब हाँ मैंने उठाई है। ओके तो ये इसका श्लोक नंबर 4 और 5 मैंने आपको पढ़ाया, अब इसका एक और श्लोक पढ़ाता हूँ मैं, 7, 8, 9, इसे ये भी हाईलाइटेड किया है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। नहीं, थोड़ा इसके ऊपर पहले कुछ बात कर ले, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ना। चलो हाँ इसको भी पढ़ के या फिर कंप्लीट बात कर लेंगे ना, इसको भी पढ़ लीजिए एक बार, बोल के मैं पढ़िए बोल के। नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मिला करके आप अच्छा नहीं एजुकेटेड तो लगेगा। होंगे ना, मैं आप हिंदी नहीं जानता एजुकेटेड हूँ, तो आप होंगे, इंग्लिश में कर दीजिए, मैं इंग्लिश पढ़ आप लूंगा। नॉर्थ इंडिया के नहीं हैं? मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ लेकिन मैं नॉर्थ इंडिया में रहा नहीं हूँ कभी, मतलब मैं बचपन से साउथ इंडिया में हूँ। चले कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। राजन उन सहस्त्रों छत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। मतलब जब पूरी तरह से क्षत्रिय खत्म हो गए तो जितनी जो उनकी औरतें बची थी क्षत्रियों की, ब्राह्मणों से गर्भ धारण की, तब जो बच्चे पैदा हुए वो क्षत्रिय कहलाए। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घायु होती थीं, तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए, तब से फिर चारों वर्ण के व्यवस्था चल पड़ी। तो ये जो है ये पूरा ये वाला कौन सा ये 7, 8, 9 उसी चैप्टर का 7, 8, 9 श्लोक। था? ठीक है, तो ये देखें, अब ये बताइए जिस महाभारत में जहाँ लड़ाई दिखाई जा रही है, क्षत्रिय परिवारों को बताया जा रहा है क्षत्रिय परिवार हैं, और उनका जन्म ही हमेशा नियोग से हो रहा है, कोई जो है लड़की है उसका कोई ऋषि जाके कहता है कि हम तुम जो है तुम्हारा हम तुमको नियोग करना चाहते हैं, वो कह रही है कि नहीं हम तो कुंवारी हैं, वो कहता है कि हम चारों बगल बादल से घेर देंगे कोई देखेगा नहीं, फिर वो बोल रहा है तुम्हारा हम सील सही कर देंगे, ऐसी गंदी संदी बातें चल रही हैं। फिर जो है उससे व्यास पैदा होता है, वही पूरी कहानी लिखता है,
अब वो लिख के जो है आपको ये कहानी बता रहा है कि क्षत्रियों की ऐसी, इन किताबों को सोचे आपको नहीं पता था मेरे ख्याल से, ये बात नहीं पता थी ना कि क्षत्रियों की उत्पत्ति ऐसे लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा सोचिए, जो चीज आपको नहीं पता थी, अब ब्राह्मण यही किताब यही कथा वो था जाके कह आता है ऐसी की हम आप तरफदारी करते हैं। जरा सोचे कोई एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, एक मिनट जरा सोचे, सोचिए, रुक जाइए। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इस्लाम को ले लीजिए, इस्लाम में जिसको वो काफिर कहता है, अब काफिर इस्लाम की खूब तारीफ करे और उसमें लिखा है कि जहाँ काफिर मिले उसको मारो काटो, तो भला काफिर उस धर्म के संरक्षण करेगा या उसको कहेगा कि ये तो हमको ही मारने काटने की बात कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है? कोई भी धर्म जो है अपने ही मानने वाले लोग की बेइज्जती कम से कम नहीं करता है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ईसाइयत वाला जो है वो अपने ही लोगों की बेइज्जती कर रहा हो, या फिर ये जो है कुरान जो है अपने इस्लाम की ही बेइज्जती कर रहा हो अपने ही लोगों की। लेकिन ब्राह्मण धर्म में साफ साफ इतनी बड़ी बेइज्जती, और आप जो है ब्राह्मण धर्म ही बचा रहे हैं, वो आपको ही बोल रहा है तो हमारी नजायज संतान है इसीलिए हमको बचा भी रहा है। पब्लिक जो है आज मजाक उड़ाती है क्षत्रियों की, क्यों मजाक उड़ाती है कि वो तो उसका नजायज संतान है, यही पढ़ती है तो कहती है उसका नजायज संतान है इसलिए उसको बचा रहा है, ये ब्राह्मण ने लिख रखा है। आ सोचे देश 75 साल हो गया आजाद हुए, और आज तक ब्राह्मण जो है ये चीज खुलेआम लिख रहा है, पढ़वा रहा है, और जो लोग अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं, आप तो हमसे पूछने चले आए कि भैया इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, उल्टा कर रहे हो। मैं पूछता हूँ आपका ब्राह्मण से पूछो कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको अपनी नजायज संतान बताने की, ये कब आप पूछोगे उससे? बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, बात वो नहीं है। देखिए तो बस यही बात है, यही बात है यहाँ पे, आप आज तक उससे नहीं पूछ पाए, लेकिन हम लोग जरूर अगर पूछने। आपसे देखिए अगर कोई और गलत है, देखिए आपने ये बताया और अच्छी बात है, मैं नोट भी कर लिया हूँ और मैं इसको खुद वेरीफाई करूंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई भी चीजें पढ़ता हूँ तो जरूरी नहीं है कि उसकी हर बातों को मानूं मैं, ठीक है? मैं कह भी नहीं रहा हूँ, मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि आप जो है कोई बात मानिए चाहे मत मानिए। हमने तो आपने पूछ लिया आपसे कि भाई किताब कैसी, आपने कहा पढ़ने योग्य है, तो मुझे लग गया कि आप कहीं पढ़े नहीं है, मैंने खोल के दिखा दिया आपको। ये अच्छा तो आप जिसको पढ़ने योग्य कह रहे हैं वही आपको गाली दे रहा है, आपको नजायज संतान अपनी बता रहा है। लेकिन भाई आपकी सो कॉल्ड क्षत्रिय आइडेंटिटी जो इस धर्म के हिसाब से, ब्राह्मण धर्म के हिसाब से, वो ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से आती है, उसके लेखक आप लोग नहीं है, वो ब्राह्मण है। व्याख्या भी जो उसकी होगी वो उसी की मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी, आप उसमें कहीं हो नहीं, आप एज ए सर्व करने के लिए हो, दैट्स इट। इस चीज को आप समझ लीजिए, आपकी हिस्ट्री ये है। देखिए इसमें कोई बिल्कुल पर्सनली मत लीजिएगा, जो फैक्ट है उसकी बात हो रही है कि मैं बोला था जैसे कि मैं किताबें पढ़ता हूँ तो जरूरी नहीं है उसकी हर बातें को मैं मान लूं मैं, और इसी तरह से ये किताब को भाई साहब आप सुनिए, फिर ये बात आपको रेफरेंस से पूछने से पहले ही बोलनी चाहिए थी ना, अब रेफरेंस अब आपको दिखा दिया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं लिखा हुआ है, आप गलत समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल आप दिखा रहे हैं तो लिखा अभी भी, हालांकि मैं वेरीफाई करूंगा, लेकिन फिलहाल अब तक अभी ये लिखा हुआ है तो ये सही बात है, ठीक है? मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीजों को मैं मानूंगा नहीं, आप समझ रहे हैं? Obviously, भाई साहब, अरे कोई नहीं मानेगा, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसानों को नहीं मानेगा, और अच्छा, आपको यही बात समझाई जा रही है जिसको आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, उसमें ये लिखा हुआ है। एक चीज बताइए, मेरा एक सवाल है यहाँ पे मिस्टर सिंह, आजादी के 75 साल हो गए हैं, महाभारत की भी लोग इतना पुराना मानते हैं, क्या आज तक कोई क्षत्रिय जो अपने को क्षत्रिय कह रहा है, जो आइडेंटिटी यहाँ से आ रही है वो क्षत्रिय को कह रहा है? आप अगर अपने को क्षत्रिय मान रहे हैं तो ऑफकोर्स ये चीज अप्लाई होगी, क्योंकि धर्म उसका है, ब्राह्मण का है, आपका कोई भी रोल नहीं है। या तो आप अपने को क्षत्रिय मानना छोड़ देंगे कि हम भैया तुम्हारा क्षत्रिय तो कतई नहीं है, तो आप इसे बच जाएंगे। और क्या मैं आने आप क्यों अपने आप तो आप क्षत्रिय हैं, इसका मतलब फिर उसका ब्राह्मण आपको क्षत्रिय कहा है? आप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं टाइटल मेरा क्षत्रिय है, मैं आपने कहा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आपने आपने कहा था ना कि आपके घर परिवार वाले मानते हैं कि हम क्षत्रिय है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण ने आपको टाइटल है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको। कोई बात नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ
कि आज तक जो लोग भी अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं वो ब्राह्मण उनको सीधे सीधे कह रहा है कि आप क्षत्रिय हो यानी मेरे नजायज पुत्र हो, वो सीधे सीधे कह रहा है। और उसने धर्म मेरे ग्रंथ को में देखें, धर्म ग्रंथ में उसने डंके की चोट पे लिखा है, आज तक जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं उनकी हिम्मत नहीं हुई एक बार पूछ लें क्या आप ही हमारे नजायज पिताजी हैं, एक बार हिम्मत नहीं हुई मैं वो यहाँ पे पूछूंगा, आ मैं जाते हैं। पूछूंगा, आप टेंशन ना हाँ ले, बिल्कुल मैं पूछें, पूछूंगा। बिल्कुल पूछें, हाँ बिल्कुल पूछें। ऐसा नहीं है, मैं अगर अगर कुछ गलत लिखा हुआ है, देखिए, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने लिखा होगा, जो ब्राह्मण आज के मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं, हर तरह के दोस्त हैं मेरे, इन्होंने नहीं लिखा है, इनके अब इनके ही पूर्वज, क्या बोलूँ, वो भी हमारे ही पूर्वज थे, डेफिनेटली ये हमारे ही पूर्वज थे, हमारे जो भी हमारे देश में रहते हैं सब हम हमारे एक दूसरे के पूर्वज ही, जरूरी नहीं है ना, इंसान जब पैदा हुआ होगा तो उसके साथ उसी समय सारी चीजें नहीं डिवाइड हो गई होगी कि ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये हैं, वो हैं। तो देखा जाए तो हम एक ही तरह के पहले, अगर एवोल्यूशन को माने तो एवोल्यूशन के हिसाब से पहले कहीं से कहीं तक आए हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने बनाया और आज ये ब्राह्मण भी हैं, हो सकता है बहुत सारे ब्राह्मण इस चीज को मानते, मैं तो नहीं देखा हूँ कि कभी इस तरह का किसी ने मेरे ऊपर में बात भी किया, लेकिन ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, आज के टाइम में बिल्कुल ये नहीं है। और मैंने जैसा कि पहले बोला कि अगर कुछ गलत है तो उसको हमको हटानी चाहिए बिल्कुल, और यही काम अगर आप करते हैं कि हाँ इसको निकाल दो, इसमें से हटा दो, इसमें से नहीं, ये हम हटाएंगे नहीं रहनी थोड़ी। चाहिए। हम तो भाई एक मिनट सिंह, मिस्टर सिंह, यहाँ यहाँ पे महाभारत टेक्स्ट ना आपने लिखा ना हमने लिखा, हाँ, ब्राह्मण ने लेकिन अगर लिखा, गलत है ब्राह्मण ने ही आपको तो आप क्षत्रिय इंटरव्यू दे सकते कहा। हैं, अगर आपको नहीं, अगर गलत है तो इतने जब से महाभारत है तब से ही गलत है ना। आज आप क्यों कहने जा रहे हैं कि अगर गलत है तो निकाल दो, आज आप क्यों कह रहे हैं, इतने सालों से आपने क्यों नहीं कहा। क्योंकि आज हम जब एक शूद्र व्यक्ति जो है वो जब क्योंकि किताब हम खोल देखिए के पढ़ रहा है और वो बता रहा है कि भाई तुम अपने को क्षत्रिय कह रहे थे, तुमको तो अपना नजायज संतान, तब वो कह रहे अच्छा ये गलत है, इसको निकल दो। इसका मतलब ये है कि आप अब भी उसको अपना नजायज बाप बनाने की तैयारी में हो। भाई जो व्यक्ति आपने कह रहा है कि मैं हम सुनो सुनो तुम सुनो हमारे नजायज, नहीं एक एक मिनट, ये आप मैं अगर पर्सनली सही मत मायने ले, में, रुकिए भाई, आप पर्सनली मत लीजिए, आपको नहीं कहा जा रहा है, आप बिल्कुल पर्सनली मत लीजिए, ये कहा जा रहा है जब से महाभारत लिखा गया है जो अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं उसके कहा जा रहा है। आप इसको अपने पर्सनली मत लीजिए, यहाँ पे जो बातें होती हैं आप कतई पर्सनली मत लीजिए। आप पर्सनली जिसको लेना है वो डिबेट में मत आइए भाई, क्योंकि ये बात किसी को टारगेट करके नहीं कही जा रही है, ये महाभारत कही जा रही है। अब फिर से मैं इस चीज को दोहराता हूँ, यहाँ पे जो व्यक्ति अपने को क्षत्रिय कह रहा है क्या आज तक उन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी थी? उसमें वो जब सीना ठोक कर डंके की चोट पे कह रहा है कि ये जो है हमारे नजायज संतान है, और आज तक किसी क्षत्रिय ने वो नहीं उठाया। अब अगर कोई ये व्यक्ति ये कहता है कि ये खराब चीज है इसको हटा दो, अब ब्राह्मण कहता है कि चलो हम हटाने की सोचते हैं या नहीं हटाया, अभी भी खुला बेच रहा है, हटाया तो नहीं अभी भी उसने, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हटवा के भी वो ब्राह्मण के ही धर्म में फंसे रहना चाहते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा जलील है, वो इतने जलील जलालत सह के भी उसमें फंसे रहना चाहते हैं। क्यों, क्या चीज है इसमें, अ क्यों इसमें फंसे रहना चाहते हैं, ये यहाँ पे सवाल चल रहा है मिस्टर सिंह। मेरे ख्याल से वह अपनी बात रखें। मैं पहली बात से तो ये बताऊंगा कि मैं आपसे कोई पर्सनल बातें, पर्सनल आपके ऊपर मैं कोई ये कर नहीं रहा हूँ, तो आप भी मत करें। नहीं, आप अगर मैं भी कोई आपको गलत पर्सनल जो कुछ मैंने, भी नहीं कह रहा अरे हूँ, आप जो पर्सनल है नहीं कहा गया आप है, बाप श्लोक में बाप लिखा है बार वही बार कहा आप अपने गया को पर्सनल ले रहे हैं। देखें देखें मिस्टर सिंह, ये आपको हमने जो चीज दिखानी थी आपने रेफरेंस मांगा था, हमने खोल के दिखा दिया, और ठीक है मैंने ना। मान लिया, ये भी आप आप बोलिए कि माने या मैंने देखें, माना। आप मान नहीं, आप माने या ना माने उससे हमें कोई फर्क, लेकिन महाभारत में लिखा हुआ है, ये सत्य हाँ है, ठीक है, आज भी बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, किसी भी जो अपने को क्षत्रिय कहता है उसने इस पे उंगली नहीं उठाई है, एक बार भी नहीं पूछा है। उल्टे अगर हम लोग कह देते हैं कि भैया ये गलत है तो वो आ जाता है लड़ने के लिए हमसे, जैसे आप देखिए भाई, आप तो कम से कम इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई पूछेंगे, बाकी को तो पता भी नहीं है, एक बार हिम्मत भी नहीं जुटा पता कि हम जाके पूछ भी लें कि भैया नहीं, तेरी अगर हिम्मत कैसे ऐसा हुई, है, तूने अगर ऐसे कैसे लिख कुछ दिया। गलत है तो सीधी सी बात है भाई, आज के टाइम में हम कोई चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कि कोई भी नहीं, किसी को कोई गलत चीज नहीं, पूरा बोले किसी किताब को गलत बायकट सोचे, कीजिए, इसको पूरा आपको किताब समझना, बायकट करने की देखिए जरूरत है। किसी भी किताब को हम बायकॉट नहीं कर, किताबें बायकॉट करने के लिए नहीं होती है, किताबों में शिक्षा होती है और उस शिक्षा को लेने के लिए होती है, और अगर कुछ हाँ, तो गलत वही शिक्षा मैं है बोल रहा हूं तो ना, हमारे आपसे लोग वही रहते मैं हैं बोल और रहा उसको, हूं आप कि किताब इतनी, बायकॉट करने वाली क्या बात कर रहे हैं, कोई किताब हाँ बायकॉट तो नहीं ये होती है, हर किताबों में पता तो है कि ये जो यही मैं शिक्षा सुनी, तो है, यही शिक्षा है, असली शिक्षा। यही नहीं है, अरे यही और यही शिक्षा है भाई, नहीं, यही शिक्षा, आप रुक अरे जाइए यहाँ भैया पे, आप राज व्याख्या शिक्षा कर ही नहीं नहीं सकते करते हो ना, मैं इनसे ये कह रहा था कि आप ये हैं। डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि इसमें ये शिक्षा है कि नहीं, वो डिसाइड करने वाला भी जो समाज है, जो इसका पूरी ये जो
ठेका जो लिया हुआ धर्म ग्रंथ लिखने का, वही व्याख्या भी करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मिस्टर सिंह जी, इसको बहुत आराम से सुनिएगा, कोई ऐसे पर्सनली किसी बात को लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं कि आप एक न्याय प्रिय इंसान हो, आपके अंदर सच में मतलब एक फीलिंग है कि बराबरी होनी चाहिए, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, और अगर आप मान लीजिए इस चीज को इस तरीके से करना चाहो कि जितने मंदिर हैं, जितने जो सो कॉल्ड भगवान के जो संस्थान है, इसमें सारी जाति के लोगों का जो है उसमें पुजारी बनाया जाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खुद अपनी जाति का पुजारी बनवा नहीं सकते हो। और आपको जब आप ये चीज असर्ट करोगे कि नहीं मैं भी तो जो है ये हूँ सो कॉल्ड क्षत्रिय हूँ कि क्या हूँ, तब आपको बिल्कुल इन्हीं श्लोकों का हवाला दे करके हैसियत बताई जाएगी, देखो इस धर्म में तुम जो है इस तरीके से आते हो और आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये हमने देखा है। लेकिन आपकी जो 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 जोर जबरदस्ती केवल जो कमजोर लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन पर चल पाती है, उसमें आप जस्टिस दिलाने के लिए कभी आगे आप कभी आए नहीं हो, तो आपको काहे बात का क्षत्रिय माने कोई, समझ रहे हो ना? तो अब इस पे आप जो है अपना आप चिंतन करो उस पे। ये हमारे आप जो आगे हो कि हमसे कि हम जैसे कोई काउंटर मतलब इनजस्टिस आप पे कर दे रहे हैं, हम ऐसे हमारा ना कभी कोई इंटेंशन इस तरह का रहा है, ना अभी कोई इंटेंशन है। ये समस्या आप लोगों की पैदा की हुई है, बल्कि आपकी भी नहीं, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म दिखाई उनकी पैदा की हुई है। ये भेदभाव आपके धर्म ग्रंथ में है। एक बात और है यहाँ पे कि शूद्र के लिए जब उसने गलत लिखा, और तो ये क्षत्रिय उसके साथ में थे ब्राह्मण के साथ होके, और इन्होंने उसके साथ मिलके ब्राह्मण के साथ अशूद्रों पे अत्याचार किया, क्योंकि उसने कहा कि भाई ईश्वर की वाणी है, ईश्वर ने ये बात कही है कि शूद्र का काम ये है और वैसा करना चाहिए, हम लोग उसको पीट पाट के सही करेंगे, इन्होंने वैसा किया। लेकिन इन्होंने कभी किताब खोल के ये नहीं दिखाया कि उनको भी वो अपना ऐसी गंदी गंदी बात लिख रखा है, ये तो कभी उससे नहीं गए लड़ने के लिए, लेकिन हाँ। उसके साथ मिलके शूद्रों के शोषण तो खूब किए हैं। आज भी आप देखें राजस्थान में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, कभी कोई मूछ रख रहा है उसको मार दे रहे हैं, कभी कोई मटका पी ले रहा है उसको ये कर दे रहे हैं, घोड़ी चढ़ने पर वहाँ आईपीएस जो अफसर है उसको तक को सिक्योरिटी लेनी पड़ गई घोड़े पर चढ़ के जाने के लिए। तो ये हालत बना रखी है, और ये लोग जो है इनका मेन क्वेश्चन क्या था कि भाई क्या आप लोग उल्टा कर देना चाहते हैं ब्राह्मण से? कमाल है वाकई, क्या साइकोलॉजी। चले चले, आज समय भी काफी हो चुका है, तो मैं इससे ज्यादा सर एक मिनट ये हाँ